मार्केट में पैनल तो आपको कई अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी की कीमत अलग अलग होती है। इसीलिए हर कोई सभी तरह की सोलर पैनल को परचेज नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी का पैनल लेंगे तो वो कॉस्टली होता है, तो हर कोई कॉस्टली सोलर पैनल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की कीमत के बारे में, जो कि सबसे सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं। और अभी सोलर पैनल की कीमत रिसेंटली काफ़ी कम हुई है, इसीलिए इनकी जो प्राइस है वो और भी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर जो प्राइस बताया जाएगा वो जनरल प्राइस है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में ये मिल सकता है। कुछ कंपनियों में जो कीमत है वो इससे अधिक हो सकती है, कुछ में थोड़ी सी कम भी हो सकती है। यहाँ पर बताई गई कीमत लोकल मार्केट के अनुसार है। ऑनलाइन आपको इस प्राइस में कहीं भी सोलर पैनल नहीं मिलेंगी, तो आपको इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे ये प्राइस नहीं मिल रहा है। तो ऑनलाइन ये प्राइस बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि ऑफलाइन ही परचेज करें। तो यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी सबसे पुरानी है और सबसे कम इफिशियंट है, इसीलिए ये आपको सस्ती मिल जाती है, और जिसका बजट कम होता है उसके लिए पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी सही रहती है। वैसे तो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको छोटे से छोटा 10 वोल्ट तक का भी सोलर पैनल मिल सकता है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 40 वोल्ट के सोलर पैनल से, क्योंकि वही मोस्टली यूज होता है। 40 वोल्ट का सोलर पैनल वैसे तो आप डायरेक्टली किसी इन्वर्टर वगैरह के ऊपर यूज नहीं कर सकते, उसे ज्यादातर छोटे डीसी अप्लायंस को चलाने के लिए यूज करते हैं, या फिर काफी जगह पर खेतों के चारों तरफ झटका मशीन लगाई जाती है, वहां पर 40 वोल्ट के सोलर पैनल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 40 वोल्ट का सोलर पैनल आपको लगभग 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में बड़ी आराम से मिल सकता है, डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांड का ले रहे हैं। मैक्सिमम 2000 रुपए में आपको आसानी से मिल जाता है, जिससे कि ये आपको 50 रुपए प्रति वोल्ट में पड़ता है। इसके बाद में आता है वैसे तो 60 वोल्ट का पैनल, लेकिन बात करते हैं 80 वोल्ट के पैनल की, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। और 80 वोल्ट का सोलर पैनल ज्यादातर डीसी सिस्टम के अंदर यूज होता है, जहां पर डीसी बल्ब होता है, एक बैटरी होती है, एक कंट्रोलर होता है, वहां पर 80 वोल्ट का सोलर पैनल काम कर देता है। तो ये पैनल आपको मिल जाता है लगभग 2500 से 3000 रुपए में। ये 36 सेल का सोलर पैनल है, जिसे हम 12 वोल्ट का सोलर पैनल बोलते हैं। तो इसका उपयोग आप वैसे तो सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है 110 वाट का सोलर पैनल, और ये भी सिंगल बैटरी के लिए ही है, 36 सेल का है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का सोलर पैनल इसे भी बोला जाता है। मार्केट में ये सोलर पैनल आपको 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक में मिल सकता है, डिपेंड करेगा कहाँ से आप परचेज कर रहे हैं। काफी एरिया के अंदर डीलर इसकी प्राइस ज्यादा भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग ज्यादातर इन्वर्टर के साथ में होता है। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के सिंगल बैटरी के जितने भी इन्वर्टर है, वहां पर 110 वाट से लेकर 150 वाट तक के ही सोलर पैनल का उपयोग होता है, तो वहां पर आपको इसकी कीमत ज्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम इसकी कीमत 3500 रुपए तक हो सकती है। इसके बाद में आता है 170 वाट का सोलर पैनल, ये भी सिंगल बैटरी पर ही यूज होता है, 12 वोल्ट का ही पैनल इसे बोला जाता है, 36 सेल का ही पैनल है, और इसकी वीओसी भी लगभग 25 वोल्ट के अराउंड होती है, तो सिंगल बैटरी के पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के लिए परफेक्ट सोलर पैनल हो जाता है। ये मार्केट में आपको मिलता है लगभग 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए की रेंज के बीच में, और ये भी कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आप परचेज कर रहे हैं। इसके बाद में आता है 250 वोल्ट का सोलर पैनल, और इसका उपयोग भी काफी जगह होता है। 250 वोल्ट का सोलर पैनल आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में देखने को मिलता है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से की जरूरत है। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का सिंगल बैटरी का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो 12 वोल्ट के ही इन्वर्टर का यूज करें, और ये मार्केट के अंदर आपको मिलने वाला है लगभग 6000 रुपए से लेकर 6500 रुपए के बीच में। और इसके बाद में आता है आपका 335 वोल्ट का सोलर पैनल, जो कि आपको सबसे सस्ता मार्केट में मिल जाता है। ये सोलर पैनल आपको लगभग 7000 रुपए में मिलने वाला है, और अभी इसकी कीमत काफी कम हो चुकी है। तो ये थे पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल, जो कि मार्केट के अंदर मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि इनके बीच में भी छोटे छोटे गैप के ऊपर आपको सोलर पैनल मिल जाते हैं, जैसे 265 वोल्ट का, 270 वोल्ट का, 280 वोल्ट का, ऐसे सोलर पैनल मिल जाते हैं, 210 वोल्ट का, 300 वोल्ट का। उनकी कीमत मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताई है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पैनल बताए हैं, जैसे कि 330 वोट का है तो आपको उसी रेट के अंदर 300 वोट का पैनल मिलेगा, वहीं पर जो 265 वोट का है वो आपको 250 वोट वाले पैनल के रेट में ही मिलने वाला है। तो जितने वोट का आपको जरूरत है उसका प्राइस आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के बारे में बताएंगे, उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।